एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा गया है, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे पीरियड्स की जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसको हम स्कैंटी पीरियड्स भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं। हाइपोमेनोरिया का मतलब ये है कि आपकी पीरियड्स की जो फ्लो थी, जो पहले नॉर्मल थी, वो अब कम होना शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्कैंटी पीरियड्स कहते किसको है, कब आपको इसके लिए परेशान होना चाहिए, कब आपको इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ये किन किन वजह से जो है स्कैंटी पीरियड्स का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, स्कैंटी फ्लो किसको कहते हैं, कम लाइट पीरियड्स आना किसको कहते हैं। अगर आपके 5 दिन के पीरियड्स आते थे और उसमें से बस 1 दिन आपको जो है वो कम हुआ है, आपको लाइट फ्लो आई है, तो ये परफेक्टली नॉर्मल है, 1 दिन ऊपर नीचे हो सकता है नॉर्मल फ्लो के अंदर भी। लेकिन अगर आपका बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है, जैसे कि अगर आपको 5 दिन आपको प्रॉपर फ्लो आती थी लेकिन अब आपको सिर्फ 2 दिन की फ्लो आ रही है, तो फिर आपको इसको हम कहते हैं स्कैंटी पीरियड्स आना, इसको हम कहते हैं हाइपोमेनोरिया। उसके अलावा जिन खवातीन को यूजली साइकिल जो होती है वो इस तरह की होती है कि 2 दिन आपको हैवी फ्लो होती है और उसके बाद 3 या 4 दिन जो है आपको स्पॉटिंग होती है। अगर आपको वो जो 2 दिन हैवी फ्लो हो रही थी उसमें भी आपको सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है या लाइट फ्लो आना शुरू हो गई है, वो भी हम उसको स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं, लाइट पीरियड्स कहते हैं। उसके अलावा अगर आपकी फ्लो जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, सिर्फ आपको स्पॉटिंग हो रही है, आपको प्रॉपर फ्लो नहीं आ रही है, पीरियड्स प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं जो कि पहले हुआ करते थे, तो वो भी स्कैंटी पीरियड्स हैं। अगर आप जो है प्रॉपरली अपना पैड नहीं चेंज करी है, जैसे अगर आप दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा पैड चेंज करी थी और अब आप 2-2 दिन जो है वो एक ही पैड के साथ लाइक आपका गुजारा हो रहा है, एक ही टैम्पॉन के साथ आपका गुजारा हो रहा है, दैट मीन्स आपको अगेन हाइपोमेनोरिया हो रहा है, आपके पीरियड्स जो है वो लाइट हो गए हैं। अब आ जाते हैं कि क्या क्या वजूहत होती है पीरियड्स के लाइट होने की, कम होने की। सबसे पहले आ जाती है एज। एज जो है वो 2 सेक्शंस में मैं डिवाइड कर देती हूँ। एक वो एज है जहाँ पे मेनार्की स्टार्ट होती है, यानी कि लड़की जो है वो उसको पहले पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी 1 साल तक अगर आपके पीरियड्स जो है वो ऑन एंड ऑफ हैं, इरेगुलर हैं, लाइट पीरियड्स आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है लड़की को, तो वो एक परफेक्टली नॉर्मल है, आपको इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन्स जो है उस लेवल के बनाना शुरू कर देती है कि आपको प्रॉपरली फ्लो आने शुरू हो जाए। सेकेंडली आ जाता है मेनोपॉजल, जो पेरीमेनोपॉज वुमेन होती हैं, जो अपने 45 ईयर्स हो जाती हैं, 50 ईयर्स की औरतें हो जाती हैं, जिनके पीरियड्स खत्म होना शुरू हो गए हैं, तो उनको भी 1 साल तक बहुत लाइट पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। सेकेंड जो रीजन है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो फिजियोलॉजिकली आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस लेकर आता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो लाइट हो सकते हैं। थर्ड जो मेन रीजन आती है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, खासतौर पे उन खवातीन के अंदर जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको इन्वेस्टिगेट करना, इसके बारे में जानना, अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्रॉपरली ट्रीट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपने जाके अपने प्रॉपर हार्मोन्स के टेस्ट करवाने हैं। फोर्थ जो रीजन आ जाती है, अगेन वो फिजियोलॉजिकल रीजन है, मतलब कि आप अगर बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना शुरू हो गई हैं, किसी डाइट प्लान के ऊपर चली गई हैं, उसके अलावा आपका जो वेट है वो ड्रास्टिकली गिर गया है, ऐसे केसेस में भी आपके पीरियड्स जो है वो लाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी में कुछ खवातीन ऐसी होती है जिनके पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, और कुछ ऐसी होती है जो पहले 2 या 3 माह उनको डेट के ऊपर थोड़ी सी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई भी मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है लेकिन लाइक फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, जिस तरह पहले मेरे पीरियड्स होते थे उस तरह के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो पहले आप हमेशा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, जस्ट टू रूल आउट कि अगर आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये जो ब्लीडिंग होती है ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, इसके लिए परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकेशंस की वजह से। मेडिकेशंस बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, हार्मोनल मेडिकेशंस खासतौर पे, जो पेशेंट्स जो होते हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर हैं, या वो इमरजेंसी पिल ले लेते हैं, या उसके अलावा अगर उनके अंदर ISTD है, इंट्रायूटराइन डिवाइस उन्होंने रखे हुए हैं, स्पेशली माइना अगर उन्होंने इंसर्ट करवाई हुई है अपने अंदर, उसके अलावा वो खवातीन जो स्लीपिंग पिल्स लेती हैं या एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेती हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर हैं, उनके अंदर भी पीरियड्स की जो फ्लो है वो कम हो सकती है, स्कैंटी हो सकती है। ज्यादातर मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप 3 साइकल्स करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, और उसके बाद नेचुरली आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन्स बनाना शुरू कर दे और आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स का। ब्रेस्ट फीडिंग जब आप करवाते हैं, तो जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि ये भी आपके पीरियड्स को जो है इरेगुलर कर देता है, और उसके अलावा आपके पीरियड्स को बहुत हल्का और कम कर देता है।
जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करवाएंगे आपके हार्मोन्स के लेवल जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे और आपके पीरियड्स जो है वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो है आपका ब्लड टेस्ट। आपने ब्लड टेस्ट अपना जरूर करवाना है और उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका HB का लेवल, आपका आयरन का लेवल, ठीक है, और उसके अलावा आपके विटामिन जी के लेवल। अगर ये दोनों कम होते हैं तो ऐसे के सिनारियों में भी औरत के जो पीरियड्स हैं वो कम हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। आप बहुत परेशान हैं अपने पीरियड्स को लेकर कि एकदम बहुत ज्यादा हल्के होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो होती थी लेकिन अब बहुत हल्की हो गई है, तो ऐसे के सिनारियों में आपने अपने हार्मोन्स के लेवल टेस्ट करवाने हैं जिसमें FSH आ जाता है, LH आ जाता है, जिसमें आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपने प्रोलैक्टिन लेवल्स भी अपने चेक करवाने हैं। और लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आप फ्लो जो है वो कम हो जाती है, जैसे एक आशमैन सिंड्रोम है, खास तौर पे थायराइड के पेशेंट्स के अंदर। थायराइड के पेशेंट्स यूजुअली जो होते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, जहां पे आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बरअक्स जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं, जो पतले हो जाते हैं, जिनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, उनके अंदर कम पीरियड्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, हल्के पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जाके आपने अपने थायराइड के टेस्ट जरूर करवाने हैं अगर आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए होंगे। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।